मेरे प्रिय मित्र जेम्सी की उत्पत्ति की किताब से और उसका 7 अध्याय और उसके 16 पद में, और ये कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह को बहुत सी आज्ञाएं दी और आज्ञा को मानते हुए नूह के उस जहाज में जो पर नूह के द्वारा बनाया गया, जो परमेश्वर के हुक्म में था, जो परमेश्वर के द्वारा उसे नक्शा दिया गया था किस तरीके से उस जहाज को बनाना था, वो सब इसमें बाइबल में बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब प्राणी को जो जो उसमें जाने थे उनको नूह के द्वारा जहाज में ले जाया गया, और यहाँ लिखा है 16 पद हमें बताता है कि जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणी में से नर और मादा गए, कौन जहाज में गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। द्वार को नूह ने नहीं बंद किया, जहाज के द्वार को यहोवा परमेश्वर ने बंद किया, यानी परमेश्वर ने उस द्वार के जहाज के द्वार को बंद कर दिया कि नूह फिर जब लोग तड़फ रहे हों, जब लोग उस पानी में डूब रहे हों, जब लोग चिल्ला रहे हों, जब हर एक प्राणी नूह को पुकार रहा हो कि नूह तरस खाकर वहां पर उस जहाज के दरवाजे को खोल दे और सब उस जहाज पर लटके या उस जहाज को पकड़ ले। पहले दिन जब बारिश हुई होगी तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि कोई नहीं, हल्की सी बारिश है। जब बारिश बंद नहीं हुई होगी तब बोला नूह पर कोई उसका ध्यान नहीं गया होगा, ना जहाज की तरफ। जब दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन, और इस तरीके से दिन बढ़ते गए, बारिश बढ़ती गई, पानी बढ़ता गया, तब उससे पहले परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद कर दिया, ऐसा ना हो कि नूह किसी के लिए दरवाजा खोल दे। जहाज नूह के द्वारा बनाया गया, पर कोई भी ऐसी आपातकालीन खिड़की नहीं बनाई गई कि दुर्घटना होने पर उसको इमरजेंसी डोर, जिसको हम कहते हैं, खोल दिया जाए। नहीं, इमरजेंसी डोर कोई नहीं था, जो द्वार से वो प्रवेश उसमें प्रवेश कर चुके थे, इन हो चुके थे, अंदर जा चुके थे, एंट्री ले चुके थे। उसके बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो बाहर था उसने अंदर की उन बातों को बंद कर दिया था बाहर वालों के लिए। बाहर वाले कौन थे? जो परमेश्वर की नजर में बिगड़ चुके थे। बाहर वाले वो लोग थे जो परमेश्वर के बातों का मजाक कर रहे थे, नूह की बातों का मजाक कर रहे थे। उनके लिए अंदर का द्वार परमेश्वर की ओर से बंद किया गया, ना कि नूह के द्वारा। सिर्फ जहाज नूह के द्वारा बनाया गया लेकिन परमेश्वर के द्वारा बंद किया गया, उसकी खिड़की को बंद कर दिया गया। और पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात तक जल प्रलय होता रहा, पानी बहुत ही बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठता चला गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ता गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, क्या पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणी, जितने सब पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब के सब और सब मनुष्य मर गए जो थल स्थल पर थे। जून में से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, सब मर गए हैं, कोई जिंदा भी नहीं रहा। क्या पशु, क्या रेगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, यानी वो ताकतवर रहा या खड़ा रहा 150 दिन तक। प्रियो, 150 दिन यानी मेरा कहने का मतलब है आधा साल, और यहां 100 साल मिले हैं जहाज को बनाने के लिए और आधा साल लगा है बर्बाद होने के लिए। जिंदगी का संदेश और जिंदगी का सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा यह नूह देना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्रियो, अब गलती किसकी है? गलती उन लोगों की जो आप इस पृथ्वी से मर मिटे हैं, और न्याय के दिन वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी कह रहे हैं, चाहे नूह भी हो, चाहे मूसा भी हो, चाहे दानियल भी हो, मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा उस वक्त, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम पर विश्वास नहीं किया है। प्रियो, परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर आज विश्वास करने की जरूरत है।
अगर नो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ैल धरती पर या बिगड़ी हुई धरती के ऊपर खरा व्यक्ति बन सकता है, तो आज हमें भी इस हालात के अंदर खरा व्यक्ति बनकर नो के समान परमेश्वर की नज़र में खरा होते हुए, धर्मी होते हुए एक जहाज को बनाना है। और जहाज क्या है? आज यीशु मसीह है जो आपको उस जहाज के समान सबको इकट्ठा ले जाएगा दूसरे आगमन पर, जब वो पृथ्वी पर आएगा और आप उसमें तैर जाएंगे, आप उसमें चले जाएंगे और आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे प्रभु, और आपको वो ले जाएगा। इसलिए आज आपको सीखना है कि परमेश्वर ने उस द्वार को खुद बंद किया है। आज वो द्वार खोलेगा, खोलने के लिए उसने कहा, अपना पुत्र भेज दिया, मैं द्वार हूं, जो कोई मेरे भीतर से आया जाया करेगा वो चारा पाएगा। मैं पुनरुत्थान हूं, मैं मृत्यु में से फिर से जी उठा मसीह हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं सच्चाई हूं। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन जल हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो प्रिय, कौन आज मौका आपको दे रहे हैं? यीशु, फिर से जल प्रलय हो सकता है, फिर से ये बातें आपके जीवन में विपत्तियां आ सकती हैं, फिर से आप आग और गंधक से नाश होंगे। जल प्रलय के बारे में परमेश्वर ने कहा कि मैं फिर कभी इंद्रधनुष दिखाकर मैं वाचा बांधता हूं, कभी पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, क्योंकि पछताया, पहले मनुष्य बनाकर पछताया, फिर वो मनुष्य को नष्ट करके पछताया है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आज आप पश्चाताप नहीं कर सकते कि परमेश्वर मुझे नूह के समान बचा ले, मेरे घर और घराने और मेरे परिवार और मेरे समाज को उस जहाज में ले ले जो 150 दिन तक पृथ्वी पर तैरता रहे, और मैं उस जल से और उस आग से, उस विपत्त नुकसान करने वाली चीजों से मुझे कोई भी दुख ना हो, कष्ट ना हो, कि मुझे भी आप तैरने की सामर्थ्य दें, मुझे भी आप उस जहाज में ले ले, उस नाव में ले ले, जीवन की नैया में बिठा ले। तो परमेश्वर आपको यीशु मसीह के द्वारा बचा सकता है अगर आपने उसके नाम पर विश्वास किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं ये संदेश दे रहा हूं, आज हमें नूह के समान जिंदगी जीना चाहिए। पृथ्वी पर जब नूह का समय था, जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, धीरे धीरे कम होता चला गया, लेकिन वही प्राणी बचाए गए सिर्फ जो जहाज में थे, वही घराना बचाया गया जो धर्मी का घराना था, वही लोग बचाए गए हैं धर्मी जन के कारण से जो उसके घराने के व्यक्ति थे। आज घर घराना तब बचता है, प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, इस प्रकार से तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका घराना भी उद्धार पाएगा। इसलिए आपको नूह के समान खड़ा होना है, नूह के समान धर्मी बनना है, ताकि परमेश्वर आपके घराने का उद्धार कर सके, आपके रिश्तेदारों को उद्धार कर सके, आपके परिवार का उद्धार कर सके, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदल दे यीशु के नाम में। मैं चाहता हूं, मेरी चाहत है कि आपकी जिंदगी बदले और आप प्रभु यीशु के अच्छे बेटा बेटी बन सके। इसलिए आपका तमाम कर्जा, आपकी तमाम टेंशन, आपकी तमाम चिंता यीशु के नाम से चली जाए। मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप विश्वास करें कि हमें पवित्र और धर्मी बनना है। इसलिए इस द्वार को खोल देगा प्रभु ने, और द्वार खोल दिया यीशु के नाम में, और यीशु द्वार बन गया आपके लिए। यीशु ने कहा, जो मेरे नाम से अपने दिल का दरवाजा खोलना चाहता है, मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, और वो व्यक्ति मेरे साथ भोजन करेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 3:20 में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये बात मिलती है। आज यीशु ने खुद खड़ा होकर कहा है, जिसके पास जल नहीं है, जीवन जल वो मेरे पास आकर सेत में तो ले सकता है, उसके अंदर से जीवन जल का सोता बहने लगेगा जो इस जल को पिएगा। तो प्रियो, जीवन जल सामरी स्त्री को देने वाला प्रभु यीशु मसीह आज आपको जीवन जल के लिए पुकार रहा है। जीवन जल में वो आपको जिंदगी देना चाहता है, पर नूह का जहाज तैर रहा है, और नूह के जहाज से जो बाहर हैं वो मर मिटे हैं और वो मर गए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप नूह के जहाज को छोड़कर और उस नैयों को छोड़कर जो आज यीशु मसीह के द्वारा तैयार की गई है, यीशु का लहू जो आपकी जिंदगी बचाता है, उसको आप छोड़ दें और उससे अलग हो जाए। आज आपको जरूरत है यीशु के लहू की, आज आपको जरूरत है उस नूह के परिवार की, आज आपको जरूरत है उन लोगों को बचाने की जो नूह के जहाज के अंदर चले जाएं, या यीशु के लहू के द्वारा उस पाप से शुद्ध हो जाएं जो उस जीवन की नैया में बैठते हुए उस द्वार में, जो पुनर्द्वार है, पुनरुद्धार है, उसमें जा सके। वो है हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह। इसलिए प्रियो, आपको यीशु मसीह के साथ अपने जीवन बिताना है, आपको यीशु मसीह के साथ चलना है, आपको यीशु के साथ रहना है, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की मदद लो और यीशु के नाम में प्रार्थना करो, और पिता परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए यहाँ पर प्रियो बहुत से बातें हैं कि 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा है, रात दिन लगातार
ये सब होता रहा है, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे होंगे, डूब रहे होंगे, लेकिन जहाज का कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य जब मरता है, मनुष्य जब डूबने लगता है, मनुष्य जब विपत्ति में पड़ता, तभी वो प्रार्थना करता, तभी वो चिल्लाता, तभी वो चर्च की ओर मुंह करता है, तभी वो देवी देवताओं की तरफ भागता है, नहीं तो वो किसी को भी अपने काबू में करने की कोशिश करता है जब तक उसमें कोई विपत्ति ना है। जब आपको दुख आता है, जब आपको परेशानी आती है, तभी आप यू टर्न लेते हैं, तभी आप परमेश्वर को याद करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने उस जहाज में उन लोगों को मौका नहीं दिया कि फिर से बैठे, क्योंकि एक साल तक उनके पास मौका था और 100 साल तक उनके पास मौका था। सिर्फ अब आज से 7 दिन बीतने पर जब सब प्राणी चल गए और जब पहली बारिश हुई, परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। नूह दरवाजा नहीं खोल सकता, नूह किसी भी खिड़की का उपयोग नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का हुक्म ना हो, जब तक ये कहानी, ये पृथ्वी पर से सारे प्राणी, मनुष्य जाति नष्ट ना हो जाए, तब तक वो जहाज का दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज पुनरुत्थान या परमेश्वर जो द्वार है जिसमें से आया जाया करता और चारा पाता है, वो द्वार खुला है, बस आपको अंदर आना है और चारा पाना है और उसके नाम पर विश्वास करना है, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ। आप भी हमारे लिए और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और हमें प्रार्थना में याद रखें और हमारी मदद करते हुए इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। तो प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी ज़िंदगी बचाए, आपका घर नूह के समान, घराने के समान बचा लिया जाए और यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध किया जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।